जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के भाग दो के सेकंड चैप्टर तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 7 शुरू करते हैं। देखते हैं एक द्विस्लिट प्रयोग में, तो देखिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग था जिसका एक्सपेरिमेंट हम आपको बताए थे और इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग से ही रिलेटेड हैं। एक द्विस्लिट प्रयोग में एक मीटर दूर रखे पर्दा जो है एक मीटर की दूरी पर रखा गया है और पर्दे की जो दूरी होती है वो कैपिटल डी होती है। फिलहाल हम इसको नोट कर लेते हैं, जब आवश्यकता और समझ में आएगी तो नोट करेंगे। ये 1 मीटर दिया हुआ है। हाँ, एक फ्रिंज, हाँ देखें, एक मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज का कोणीय चौड़ाई, तो फ्रिंज का कोणीय चौड़ाई जो होता है वास्तव में ये कोण का मान होता है और ये कोण थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 डिग्री दिया हुआ है, पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। तरंग दैर्ध्य भी यहाँ पर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। देखें तरंग दैर्ध्य लेमडा की वैल्यू 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। नैनोमीटर को मीटर में हम बदल लेते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। 600 × 10⁻⁹ हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी जीरो को हटा लेंगे। हाँ, उपयोग किए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबा दिया जाए, देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये जो पूरा उपकरण है इस पूरे उपकरण को अगर जल में डुबा दिया जाए तो पहली बात तो हम आपको बता दें कि तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, तो देखें ये फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई पहले दिया हुआ था जब उपकरण वायु में था। जब ये उपकरण जल में चला जाता है यानी जल में डुबा दिया जाता है, तो देखें जब वायु में था तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कोण ही होता है, ये थीटा रखे हैं और कहा जा रहा है कि जल में डुबा दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि जब इसको जल में डुबा दिया जाता है तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा डब्ल्यू हो जाती है और यही आपसे पूछा जा रहा है कि जब जल में डुबा दिया जाता है तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। जबकि जल का अपवर्तनांक, हम जल के अपवर्तनांक को हम एन डब्ल्यू लिख देते हैं, हालांकि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होता है, एन डब्ल्यू लिखना चाहिए। चलिए एन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो जल का अपवर्तनांक आपको 4/3 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बता दें कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, चूंकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए हमने इसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया था। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई थीटा होता है और थीटा की वैल्यू होती है लेमडा बाई डी, जहां डी आपको मालूम है दो ऊर्ध्वाधर स्लिटों के बीच की लंबवत दूरी हुआ करती है। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें और अब जो है उपकरण को जल में डुबा दिया जाता है, तो जब जल में डुबा दिया जाएगा तो आपको मालूम है कि तरंग दैर्ध्य जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति इजकल टू, देखिए अगर आवृत्ति जल की हो तो जल की जो आवृत्ति होती है ये लेमडा अपान लेमडा डब्ल्यू, मतलब वायु में तरंग दैर्ध्य
और जल में तरंग दैर्ध्य, क्योंकि v इक्वल टू n लैम्डा, आपने अपूर्ण तरंग की परिभाषा पढ़ी थी कि वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक होता है। तो फिर जो है ये अपवर्तनांक के ही प्रयोग से v इक्वल टू जो n लैम्डा होता है उसी फार्मूले का हम यूज किए हैं, तो n w इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा w हो जाएगा। अब चले अगर यहां से लैम्डा w की वैल्यू निकालें, क्योंकि पूरे उपकरण को जल में डुबा दिया गया है, तो हम ये देखेंगे कि जल में जब प्रकाश जाएगा तो जल में उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, सॉरी उसमें जल में जाने के बाद जल का अपवर्तनांक तो दिया ही है, जल में तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, यानी हम लैम्डा w की वैल्यू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन एन w। चलिए वैल्यू रख देते हैं सबके, तो फिर ये हो जाएगा आपका लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है। चलिए फिलहाल अभी हम लैम्डा की वैल्यू नहीं रखते हैं, जब लास्ट में चल करके जरूरत पड़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। और फिर यहाँ पर एन डब्ल्यू की जो वैल्यू है ये 4/3 है, सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल का तरंग दर्द, जल में तरंग दर्द हमें ज्ञात हो गया, लैम्डा w की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो फार्मूला तो यही होता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए अगर हम जल के लिए निकालें, जल के लिए कोणीय फ्रिंज चौड़ाई निकाली जाए, तो ये हो जाएगा यहां पर लैम्डा के जगह पर लैम्डा w हो जाएगा, यानी जल के लिए तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। और फिर ये जो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू तो जैसे है वैसे रहेगी ही। तो चलिए एक काम करते हैं, आपसे आपको थीटा की वैल्यू दी गई है और थीटा w की वैल्यू पूछी जा रही है, क्यों ना ऐसा करें कि इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 अगर कर दें तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया जाए। तो चलिए भाग देते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर लेफ्ट से लेफ्ट को डिवाइड कर देते हैं और राइट से राइट को डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा फिर आपका थीटा w अपॉन थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा w की वैल्यू यहां रखी गई है, ये है आपका लैम्डा w अपॉन d, और फिर अपॉन कर देंगे तो ये लैम्डा अपॉन d, तो d ऊपर चला जाएगा और लैम्डा नीचे आ जाएगा, फिर d से d कैंसिल हो गया। और फिर देखते हैं कि स्टेप, और यहाँ पर ये थीटा w अपॉन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा w अपॉन लैम्डा, थीटा w की वैल्यू पूछा जा रहा था, जब उपकरण वायु में था तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई दी गई थी 0.2 degree, 0.2 inch, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस जल में डुबा दिया जाएगा तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई यानी थीटा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चलिए थीटा डब्ल्यू की वैल्यू अभी फिलहाल और सॉल्व करते हैं, और ये थीटा डब्ल्यू अपॉन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू रखते हैं, तो लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 λ/4, ये हो जाएगा 3 λ/4, और फिर नीचे ये है लैम्डा, तब तो यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब अगर यहाँ से थीटा डब्ल्यू निकालें तो थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 थीटा, चलिए सॉल्व करते हैं 3/4, और थीटा की जो वैल्यू है ये है आपका 0.2, ये 0.2 हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं 10 से गुणा कर दें तो 3/4 ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 10, फिर इसको कटा दीजिए तो 2 से कटा देंगे ये 2 हो जाएगा, और फिर 3 को 2 से कटा देंगे तो 1.5 हो जाएगा, नीचे है 10, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.15 degree। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जब ये उपकरण वायु में था
तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई जो थी वो 0.2 डिग्री थी, लेकिन जब इसको जल में डुबा दिया जाएगा तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई 0.15 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दर्द लैम्डा की वैल्यू दी गई है, और ये आपको दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को हम चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10^-10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5000 × 10^-10। फिर क्या हो जाजाएगा, ये आपका 5 × 10^-7 मीटर। ये 3 0 हटा दिए, 10^-7 मीटर हो जाएगा। तो 5000 तरंग दर्द का प्रकाश एक समतल परावर्तक तल पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश का तरंग दर्द, देखिए पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा तो परावर्तित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, और फिर आपसे पूछा जा रहा है आवृत्ति क्या होगी। एक चीज आपको बता दें, जब आपको मालूम है कि प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसके तरंग दैर्ध्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी पहले तरंग दैर्ध्य अगर 5000 एंगस्ट्रॉम का है तो बाद में भी तरंग दैर्ध्य जो होगा वो 5000 एंगस्ट्रॉम का ही होगा, लेकिन आवृत्ति जो होगी वो आवृत्ति चेंज हो जाएगी, आवृत्ति बदलेगी। और आपको मालूम है तो आपसे आवृत्ति तो तरंग दर्द तो आपसे पूछा जा रहा था, तरंग दर्द वही होगा। अब हम आवृत्ति निकाल लेते हैं, तो आपको मालूम है आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। तो इसका हम उपयोग कर लेते हैं, आवृत्ति न्यू होती है, और इसको कहीं कहीं हम लोग यंग से भी प्रेजेंट कर देते हैं, कहीं कहीं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर सी की वैल्यू 3 स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की जो वैल्यू है 5 × 10^-7 हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए तो 5 × 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 × 10^-7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, 8 × 7 = 15 हो जाएगा। अब जो है अगर यहाँ पर 10^14 कर देते तो 10^14 × 10 हो जाता, और 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो ये 6 हो जाता। हम 6 कर देते हैं, 6 × 10^14 ये हर्ट्ज हो गया। तो अब आवृत्ति जो होगी, आपसे पूछा जा रहा था कि आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो तरंग दर्द के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसकी आवृत्ति जो है वो चेंज हो जाएगी, 6 × 10^14 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए फिर आपसे पूछा जा रहा है आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होती है। अब देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर मैलस का नियम लागू होता है, और मैलस का जो नियम है ये प्रकाश के ध्रुवण में आपको पढ़ना है। ब्रूस्टर का नियम, मैलस का नियम आपको प्रकाश के ध्रुवण यानी पोलराइजेशन आप लाइट में पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर आपके सिलेबस से निकल चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें कि जब आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होती है, तो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण लंबवत होती है और आपतन कोण के किस मान के लिए, तो पहले तो हम आपको बता दें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको मालूम है स्नेल के नियम से, और फिर स्नेल के नियम का ही व्युत्पन्न है मैलस का नियम। तो चूंकि जब यहां पर जब लंबवत होता है
तो माइलस के नियम में ये बताया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, केवल माइलस के नियम के लिए, प्रकाश के ध्रुवण के लिए, और सबके लिए नहीं होता। ये नहीं कि अपवर्तन परावर्तन जहां कहीं भी जरूरत पड़े वहां पर दोनों का योग 90 डिग्री कर दें, ऐसा नहीं होता है। ये केवल जब प्रकाश का ध्रुवण होता है तब ये स्थिति होती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन यहां पर R के जगह पे I हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका I प्लस I 90 डिग्री, और दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 2I इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो I की जो वैल्यू होगी वो 90/2 यानी ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, तो आप बता देंगे कि आपतन कोण का वह मान जो होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए 4 मिलीमीटर आकार। तो आप जब देखे होंगे, हम आपको विवर्तन बता रहे थे, फ्राउनहोफर विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में दो स्लिटों के बीच की जो दूरी थी वो स्मॉल ई से उसको हम रिप्रेजेंट किया करते थे, और यही आपको दिया हुआ है कि जिसके लिए 4 मिलीमीटर आकार का द्वारक। तो द्वारक की जो चौड़ाई होगी वही द्वारक, यानी कह लीजिए कि फ्राउनहोफर विवर्तन में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता था। तो दो उत्तल लेंसों का जब हम प्रयोग करते थे तो एक उत्तल लेंस के द्वारक का व्यास आपको दिया हुआ है, और द्वारक के व्यास को यहाँ हम ई से रिप्रेजेंट किया करते थे, और ई की वैल्यू आपको दी गई है 4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को अगर हम चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10^-3 मीटर हो जाएगा। तो 4 मिलीमीटर आकार के द्वारक द्वारा 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है, और ये फिर दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 400 × 10^ ये हो जाएगा -9 मीटर हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 10^-7 मीटर हो जाएगा। अब देखें, हाँ, फिर ये हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश के सन्निकट रूप से लागू होती है। तो आपसे दूरी का आकलन करने के लिए यानी दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो दूरी होगी ये फ्रेनल दूरी होगी, और फ्रेनल दूरी को हम जेड एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो है डिस्टेंस होता है, और चूंकि इस फार्मूले को फ्रेनल ने बताया था इसलिए इसको फ्रेनल डिस्टेंस कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो ई स्क्वायर अपॉन लेमडा होती है। रख देते हैं वैल्यू हम, तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, जेड एफ इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ई की वैल्यू 4 × 10^-3 है, स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, 10^-3 का स्क्वायर करेंगे 10^-6 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है 4 × 10^-7, तो ये हो जाएगा 10^-7। 4 से इसको कट कर देंगे, 4 हो जाएगा, ये हो गया 4, और देखिए 10^-7 ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा, और 7-6 करेंगे तो 10^-1 हो जाएगा, 10^-1 यानी 10 हो जाएगा, और 10 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि उस दूरी का आकलन कीजिए, तो उस दूरी का हम लोगों ने आकलन कर लिया और ये दूरी जो है 40 मीटर के इक्वल होगी। तो इस प्रकार
इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल थे लगभग सभी न्यूमेरिकल्स को बता दिया गया, और हमें उम्मीद है कि ये सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।